हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो छत्तीसगढ़ प्रीबीएड परीक्षा और डीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, अभी तक आपने शिक्षण अभिरुचि और सामान्य ज्ञान के पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें प्लेलिस्ट पे। और फ्रेंड, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सिलेबस वाइज सामान्य ज्ञान और शिक्षण अभिरुचि का कंप्लीट कराऊँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट देख लें और रिवीजन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? क्योंकि समय बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए, है ना? और गवर्नमेंट सीट चाहिए तो फिर आप पढ़िए फ्रेंड, ठीक है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है, ठीक है? और कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो बहुत कम है, छत्तीसगढ़ में तो चार ही है, ठीक है? तो आप देख लें, तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, या छात्रों का पूर्ण विश्वास, या फिर उसके शिक्षण के प्रति दायित्व। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है छात्रों का पूर्ण विश्वास है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा शिक्षक वह है जो मेधावी व परिश्रम करने वाला हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, या फिर जीवन सिंपल व्यतीत करता हो, या फिर अपने विषय में विद्वान हो, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या फ़ायदा होगा, या फिर है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या फ़ायदा है? तो इसका ऑप्शन है, लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी मजबूत होता है, अंधश्रद्धा में कमी आती है, आर्थिक और सामाजिक विकास की दर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है? लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी मजबूत होता है, अंधश्रद्धा में कमी आती है, आर्थिक और सामाजिक विकास की दर बढ़ती है, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप विद्यालय के बाहर अपने किसी स्टूडेंट से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? तो इसका ऑप्शन है, अनजान व्यक्ति की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या फिर बहुत गंभीर होकर, या दोस्तों की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहुत गंभीर होकर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षण स्टडी क्या है? शिक्षण या स्टडी क्या है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन है, एक कौशल, एक कला, एक क्रिया मात्र, या फिर एक तपस्या, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, एक कौशल यानी कि स्किल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा तभी सार्थक सिद्ध होगी जब पाठ्यक्रम सिलेबस केंद्रित हो, स्टूडेंट केंद्रित हो, या फिर रोजगार केंद्रित हो, या फिर समाज सोसाइटी केंद्रित हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टूडेंट केंद्रित हो, ठीक है? स्टूडेंट केंद्रित हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षण स्टडी की समस्या को हल करने का कार्य किसका है? शिक्षण स्टडी की समस्या को हल करने का कार्य किसका है? ऑप्शन है, प्रधानाचार्य का, अध्यापकों का, सरकार का, या शिक्षाविदों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्यापकों का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अध्यापक की योग्यता व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं। अध्यापक की योग्यता व्यवहार का सबसे अच्छा मूल्यांकन तुल्यता करते हैं उनके प्राधान्याध्यापक, उनके छात्र, ठीक है? उनके छात्र, समाज के संप्रभात लोग, विशेषज्ञ विद्वान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी, उनके छात्र, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षण ग्रहण करने के उपरांत नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, या फिर छात्रों को कुशल साक्षर बनाना, या बालकों का संपूर्ण विकास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालकों का संपूर्ण विकास, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम या सिलेबस निर्माण में किस पहलू को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? तो
इसका ऑप्शन है शिक्षा के सभी उद्देश्यों को छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यता के आधार पर, या फिर शिक्षण अनुसंधानों या फिर एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर, या ऑप्शन ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए और बी, शिक्षा के सभी उद्देश्यों को छात्रों की आवश्यकता, रुचियों और योग्यता के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए किसे होना चाहिए। इसका ऑप्शन है कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी, शिक्षक का प्यारा विद्यार्थी, या कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, या फिर कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड, शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक छात्रों के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श हैं, विद्यार्थियों में शिक्षक के प्रति भय होता है, या फिर शिक्षक विद्यार्थी शिक्षक के प्रति प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षक में विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है, आपके सभी प्रश्नों के त्वरित उत्तर देता है, तो आप अपने छात्र के संबंध में क्या करेंगे। तो जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आप तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे, उसे अधीर न होने के लिए समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं, या उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर है, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती हैं, या फिर स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं और वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, संदेहग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है, संदेशग्राही द्वारा प्राप्त किया गया है, या फिर आपने अपना संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, या फिर ग्राही अपने आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई स्तर पर, या विद्यार्थियों की योग्यता पर, या फिर कक्षा अंततः क्रिया पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कक्षा अंततः क्रिया पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक शिक्षक को करना चाहिए क्या करना चाहिए, अधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शिक्षक उत्थान के लिए प्रयास, या फिर छात्रों के हित के कार्य, या फिर छात्रों की देखभाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर है छात्रों के शिक्षक शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है। तो इसका जो है ऑप्शन है अप्रशासनिक पाठ्यक्रम, गरीबी, या फिर त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता, या फिर शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने का जो कारण है, त्वरित रोजगार के लिए उत्सुकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? एक शिक्षक अपने छात्रों से मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित करता है? उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर या फिर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके छात्रों को अपना परम मित्र बनाकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका निदान करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उनको ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे या फिर उन्हें टालते रहेंगे या आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे या उन्हें किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, आवश्यकता के अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शैक्षिक यात्रा के दौरान बैठने की जगह को लेकर एक छात्र किसी वृद्ध के साथ झगड़ा कर बैठता है तो मैं क्या करूँगा? छात्र का पक्ष लूँगा या फिर उसे समझाऊँगा कि बड़ों का आदर करें या फिर उसे अनदेखा करूँगा या निपटाने के लिए दखल दूँगा? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड? ऑप्शन बी, उसे समझाऊँगा कि बड़ों का आदर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है क्योंकि इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं या इससे अभिभावकों को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है या फिर इससे बच्चों में डर बना रहता है या फिर बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं, इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे या फिर उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपके ट्यूशन में पढ़ते हैं या फिर अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे या पिछड़े छात्रों को अधिक अंक देंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित होता है या फिर ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। छात्रों की पाठ में रुचि रहती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित रहती है या ज्ञान को वास्तविक रूप से प्रदान करने एवं पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित या पाठ्यपुस्तक केंद्रित? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन सी, छात्र केंद्रित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय इसका ऑप्शन है अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, अध्यापक के लिए कार्य भार अधिक हो जाएगा या फिर अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी या फिर अध्यापक की भूमिका केंद्रित हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अध्यापक की भूमिका समन्वय के रूप में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाद में शिक्षकों का स्तर ऊँचा होना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं या समाज के लोगों से मिलते हैं या भावी नागरिकों को तैयार करते हैं या अधिक श्रम करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन सी, भावी नागरिकों को तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करते हैं? किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए,
अपने दायित्व को निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए या फिर अधिक से अधिक जनसंख्या करके अपने कार्य को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अपने दायित्व को निभाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? तो इसका ऑप्शन है राजनीति की चर्चा करने में, मनोरंजन कार्य में, धन प्राप्ति की अन्य कार्य में, सामाजिक कार्य में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन डी, सामाजिक कार्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है या फिर कठोर अनुशासन रखता है या छात्रों की प्रगति के लिए प्रति सजग रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? तो इसका ऑप्शन है अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता, बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, या केवल अपराधी की गंभीरता, या फिर केवल अपराध की आवृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता हो तो आपको चाहिए कि आप क्या करेंगे उस टाइम पे? उसको उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे या फिर इसके कारणों का पता लगाएंगे या छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे या फिर सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उसके कारणों का पता लगाएंगे कि वो क्यों लेट आ रहा है। ठीक है, उसके कारणों का पता लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए? नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए या सहयोग के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, नए ज्ञान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है? तो इसका ऑप्शन है परिवार, समाज या पुस्तक, दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। तो इसका ऑप्शन है छात्र, हाथी अध्यापक, साथी अध्यापक, मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, साथी अध्यापक या फिर पत्र पत्रिकाएं, परिवार जन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, छात्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन है भाषा कौशल का विकास, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना, व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल नेतृत्व होता है। इसका ऑप्शन है प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक या समूह आधारित या तानाशाही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रजातांत्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं, उनके धन लोलुपता बढ़ गई है या उनका वेतन कम है या फिर स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उनका वेतन कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न में से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा व्यावसायिक हो, वैज्ञानिक हो, संस्कृत हो, आध्यात्मिक से संबंधित हो, अभ्यास या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा व्यावसायिक होना चाहिए, वैज्ञानिक हो या फिर और संस्कृत एवं आध्यात्मिक से संबंधित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। ऑप्शन है अध्यापक का ज्ञान, अध्यापक की आर्थिक स्थिति, अध्यापक की ख्याति या फिर अध्यापक का स्रोत पूर्णता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए, अध्यापक का ज्ञान। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप उसमें क्या करेंगे? सक्रिय रूप से भाग लेंगे, आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ठीक है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है अच्छे शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर या फिर उनको धन देकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अच्छे शिक्षण सुविधा देकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह सहनशीलता हो, अनुशासन प्रिय हो या गंभीर हो या धनी हो। ठीक है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह क्या हो? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गंभीर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण करवाना चाहिए। इसका ऑप्शन है छात्रों के अनुसार, खंडों के अनुसार, खंडों में या बाद में या बीच बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, खंडों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। इसका ऑप्शन है छात्रों से संपर्क, अभिभावकों से संपर्क, सामाजिक सर्वेक्षण या पुस्तक अध्ययन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक सर्वेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है नेता पर, सदस्यों पर, नेता एवं सदस्य दोनों पर या फिर दोनों के मध्य अंतः क्रिया पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दोनों के मध्य अंतः क्रिया पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं या किसी निर्दोष को दोष देते हैं या फिर आपस में झगड़ा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन सी, किसी निर्दोष को दोष देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? तो इसका ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, ठीक है, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके या फिर शिक्षा पर अधिक धन खर्च करके या फिर श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। छात्रों को पाठ समझ नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि वह दोबारा समझाए, अगला पाठ शुरू कर दे या फिर प्रधानाध्यापक से बात करे या प्रश्न पूछे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दोबारा समझाए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है दुष्परिणाम बताने चाहिए, दुष्परिणाम बताना चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड, कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।